हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं गाइस आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। बस निकल रहे हैं मेकअप के लिए और अभी तैयार भी नहीं हुई हूँ, बस हल्का सा कॉम्पैक्ट लगाया था, अब वो कैब में कर लेंगे बैठे बैठे, क्योंकि मैं और नीलम ही जा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं जा रहे हैं हमारे साथ आज। तो चलिए बस निकलते हैं हम लोग। बाय। फिर नहीं जा रहे आज? फिर नहीं जा रहे? हमने धोखा दे दिया बीच में। अपने काम करो, हमारे काम मत करवाना। गांव में खूब घूम के आए हो, कोई बात नहीं, है ना? अकेले अकेले आज हम जा रहे हैं, जाओ जाओ, कोई बात नहीं। हमारे साथ यहाँ तो अब जाने ही बंद कर दियो दिल्ली में। चलो बाय बाय बाय। अभी निकल चुके अब हम लोग जाने के लिए। ले लिया है मैंने अपना मेकअप पाउच, रास्ते में जो पहुंचने जो थोड़ा थोड़ा रह गया था वो थोड़ा थोड़ा यहाँ लिपस्टिक भी नहीं लगाई है, बस कैब आ गई थी तो इसलिए भाग लिया हम लोग, क्योंकि लेट ना हो जाए, ट्रैफिक भी मिलता है, तो बस इस वजह से तो बैठ गया, पहुंच ही जाएंगे। अब आ चुके हैं कलरफुल पेंटिंग और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप लोग देखिए, हमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। हम लोग इन्जॉय करते हुए जा रहे थे तो मैंने सोचा चलो ये रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये वीडियोस में तो इतना समझ भी नहीं आ रहा। गुफा में खो चुके हैं वो भी ना? अच्छी वाली गुफा में, लेकिन अभी अच्छी लग रही है। अगर कोई छोड़ दे ना हमें यहाँ रह जाओ तो नहीं रह सकते। अभी आपका मेकअप नहीं हुआ? मेकअप करना स्टार्ट करते हो गाड़ी चल जाती है तो मैं बताने लग जाती हूँ कि हाँ अब ग्रीन लाइट होने वाली है, ग्रीन लाइट होने वाली है, इसीलिए बच जाते हो। ये सब तो लगा करके यही थी, ये मैं खा चुकी हूँ लगा करके, मेरा फेवरेट कॉम्पैक्ट है जो कि मैं अपने मेकअप में तो ये यूज करती हूँ, बहुत ही अच्छा। ये मेरा अपना पर्सनल है, ये है मेरी पूरी जो मेकअप की वैनिटी है, ये बस इतनी ही है, इतने में मुझे शादी में जाना, कहीं भी जाना, मैं इतने में ही तैयार हो जाती हूँ। तो बस हो चुकी हूँ, पर बच गया। बचा लेती हूँ, मैं रोक देती हूँ। नीलम की बारी है, नीलम कर रही है अपना टचअप। हाँ। हल्का बस यही है सिर्फ मेरा। हाँ, नीलम बस यही लगाती है। नीलम वैसे ही इतनी ब्यूटीफुल है, मेकअप की जरूरत हमें पड़ती है ना। मैं नेचुरली ब्यूटी हूँ। मुझे आप भी हो, पर थोड़ा सा बाहर तो करना ही पड़ता है। पहुंच चुकी हूँ मैं आरती दी के पास, आज करने वाली हूँ इनका हेयर स्टाइल। मैंने पूजा को एक बार भी नहीं बोला कि पूजा मेरा हेयर स्टाइल करना, और पूजा ने देखो मेरी भावनाओं को समझा। और पूजा को मेरी सिचुएशन पता है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई फ्रंट पे, तो पूजा चाहती है मैं बहुत अच्छी दिखूं, तो दुल्हन को तैयार करने से पहले वो मुझे तैयार करेगी आज। हाँ जी। मैम ने खाने पीने की चीजें भी मंगवा दी हमारे लिए और नीलम लगी हुई है, आ जाओ नीलम खा लो। अभी मैं कर रही हूँ आरती दी के आईब्रोज, क्योंकि आरती दी के आईब्रोज की ग्रोथ बहुत ज़्यादा आई हुई थी, उन्हें टाइम नहीं मिला था कि वो सलून जाके आईब्रोज करवा के आएँ, तो मैंने ही कहा कि चलो पहले आपके आईब्रोज करते हैं, उसके बाद मैं आपका हेयर स्टाइल करूँगी। और हेयर स्टाइल बन चुका है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को हेयर स्टाइल कैसा लगा है। बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल बनाया हमेशा की तरह पूजा ने, और मैं हमेशा ही पूजा से हेयर स्टाइल करवाती हूँ जब भी करवाती हूँ। और मैं आपको बैक दिखाती हूँ, पूजा बैक से दिखाओ ना। हाँ जी, देखो फ्रेंड्स कितना खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाया है। बस थैंक यू के अलावा और मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैं पूजा को थैंक यू सो मच पूजा, फाइनली लेंस लग गया, और ये बहुत बड़ा टास्क था आज। मैंने पूजा से सीखा है लेंस कैसे लगाना है एंड कैसे लगवाना है, तो मैंने बहुत परेशान किया पहले, तो फाइनली फिर लग चुका है, और पूरे परिवार ने लेंस लगाया, लेंस लगाया आज, भैया को भी लगा दिया, और आपसे जल्दी ना भैया ने लगवा लिया है। क्या करते हो इधर? मम्मी कर्लर वगैरह का इधर। नीलम ने सामान भी पैक कर लिया। हाँ तो बस निकलते हैं मैम, मिलते हैं फिर, बाय बाय। कहाँ दूर है? ठीक है। पहुंच चुके हैं हम ब्राइड के पास और आज है इनका ब्राइडल मेकअप, तो बस करते हैं मेकअप स्टार्ट। मैम आपको मेकअप कैसा चाहिए? लाइट मेकअप चाहिए। चलिए यहाँ पे वैनिटी लगा ली है नीलम ने, और बस अब करते हैं मेकअप स्टार्ट और देखते हैं लुक कैसा आता है मेकअप।
यहाँ पे कर दिया है मैंने मेकअप स्टार्ट। और सबसे पहले करूँगी मैं आई मेकअप। आई मेकअप थोड़ा ग्लिटरी में ही रखूँगी क्योंकि मैम को थोड़ा ग्लिटरी आई मेकअप चाहिए था। वैसे क्लाइंट की चॉइस होती है, किसी को न्यूड में करवाना होता है, किसी को ग्लिटरी में, बट मुझे ब्राइडल में थोड़ा अच्छा लगता है ग्लिटरी हो। तो आप लोगों को कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को भी ऐसा ब्यूटीफुल सा मेकअप सीखना है, स्पेशली ब्राइडल सीखना है, तो आप लोग मुझे कमेंट करें तो मैं स्टेप बाय स्टेप विद प्रोडक्ट आप लोगों को बताऊँगी, जिससे आप लोग भी ऐसा ब्यूटीफुल सा मेकअप कर पाएंगे। लिपस्टिक यहाँ पे मैं लाइट में ही लगा रही हूँ क्योंकि मैम ने बोला था लिपस्टिक थोड़ी लाइट में ही होनी चाहिए। और मेकअप मेरा कंप्लीट हो चुका था, यहाँ पे कर रही हूँ मैं हेयर स्टाइल। आप लोगों को मेकअप कैसा लगता है प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा मेकअप पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये है मैम का फाइनल लुक, आप लोग देख सकते हैं। आइज़ क्लोज करना मैम, आइज़ ओपन। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैम आपको मेकअप कैसा लगा? बहुत अच्छा मैम, थोड़ा कम बोलते हैं पर सच में आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। थोड़ा लाइटिंग की कमी है बट अच्छा लग रहा है, मेकअप फिर भी प्रॉपर दिख रहा है। मेकअप तो कंप्लीट हो चुका है, बस नीलम पहना रही है हाथों के, और मेहंदी भी बहुत सुंदर ही लगी हुई है और अच्छी भी है ना। मैम आपको मेकअप कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलिए आपको पसंद आया ना, आप सच में ही बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय। निकल चुके हम काम वाम करके, थके हारे हम बेचारे, और वो सब पहुंचते हैं पार्लर को। तो अब आ चुके हैं हम लोग मेट्रो स्टेशन, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो ये ना हो कि हम लोग जाम जाम में फंस जाए। नीलम कह रही है मेट्रो से चलो, मैं आज मेट्रो से नहीं आई, मुझे फील नहीं हो रहा कि मैं मेकअप करने आई हूँ है ना, मेट्रो में मज़ा आता है घूमने में। हाँ, यहाँ पे साथ साथ मेट्रो भी आ गए और हम लोग बैठेंगे अब मेट्रो में। नीलम पी रही है फेंटा, देखिए नीलम को फेंटा पसंद है और मैंने ली थी अपनी फ्रूटी और मैंने वो पी ली है। पहुँच चुके हैं हम लोग सैलून में और ये कर रहे थे, कितनी देर से हमारा इंतज़ार कर रहे थे, 8 बजे से इंतज़ार कर रहे थे हमारा। अब कहीं जाते हैं तो टाइम भी लग जाता है, और फिर टाइम के साथ साथ ये है कि आने जाने का जो टाइम है वहाँ पे जो टाइम लगता है आने जाने का टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो बस हम निकलेंगे, और आज का हमारा मेकअप आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्हें मेकअप कराने में बार बार बोलती तो वो मैसेज कर सकते हैं। और नीलम कहाँ गई? नीलम बेचारी भागम भाग में लगी हुई, अपना बैग वैग पैक कर लिया उसने और बस निकल रही है। तो हम भी लोग अब घर के लिए निकलेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और मिलते हैं। बाय बाय बाय, आप भी बाय करो जल्दी से, किधर गए?